चमत्कार सच टीवी में आपका स्वागत है। परमेश्वर के लोगों, जब पूरी दुनिया संकट से जूझ रही है और भारत में भी संकट है, और भारत में आपको मालूम है कि 21 दिन का लॉकडाउन किया हुआ है, यानी कि 21 दिन तालाबंदी। भारत के लोग तो अच्छे से इस बात को समझते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि लॉकडाउन के 21 दिन में हरून की लाठी की तरह आप बन जाएं। जैसे हरून की लाठी के लिए सिर्फ एक दिन का समय उसे मिला था, उस लाठी को, और मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा, लेकिन आपके पास 21 दिन है, तो इस लॉकडाउन के 21 दिन आप हानि में भी लाभ ढूंढें। इस हानि के दिनों में भी, घटी के दिनों में भी लाभ को पाएं। लॉकडाउन के 21 दिन में आप हरून की लाठी की तरह बन जाएं। मैं फिर कहता हूं, लॉकडाउन के 21 दिन में आप हरून की लाठी की तरह बन जाएं। आपको ये शायद पहली बार ही मौका मिला होगा 21 दिन के समय का। 21 दिन ना किसी रिश्तेदार के जाना, ना किसी रिश्तेदार ने आना, जब 21 दिन ना घर से बाहर निकलना, कोई बाहर का काम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नौकरी पे नहीं जाना, कि जॉब पे नहीं जाना, किसी काम पे नहीं जाना, तो आप इन 21 दिन में एक चमत्कारी व्यक्ति बन जाएं। 21 दिन के बाद जब आप निकलें तो आप चमत्कारी हों। ये लॉकडाउन के 21 दिन, तालाबंदी के 21 दिन में आप हरून की लाठी जैसे बन जाएं, चमत्कारी व्यक्ति बन जाएं। आप पर जब 21 दिन में आप तैयार हो जाएं, आप पर परमेश्वर का तेज चमके, आप परमेश्वर के तेज से भर जाएं, आप परमेश्वर के जलाल से भर जाएं। इस 21 दिनों में आपके पास बहुत समय है प्रार्थना का, आराधना का, स्तुति का, परमेश्वर के जलाल में भरने का, सामर्थ में भरने का। गिनती की पुस्तक 17 अध्याय, वहां परमेश्वर ने कुछ बातें हुई, लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर ने यह कहा कि सभी कुल के लोग, 12 कुल जो थे, वो उनके जो मुखिए हैं वो अपनी अपनी लाठी मूसा को दें और वो परमेश्वर के सन्मुख रखी जाए लाठी। तो एक दिन का सिर्फ टाइम दिया गया था कि वो लाठी परमेश्वर के सन्मुख रखी जाए, और जब वो लाठी, सबकी लाठियां, 12 छड़ियां जो थी, उसमें जो लेवी के मूल पुरुष था हरून, उसकी भी एक छड़ी थी, लाठी थी। 12 जो छड़ियां थी, एक सहज की थी, सबकी एक एक छड़ी थी, सब गोत्रों की, कुल्लों की। तब वो जब परमेश्वर के सन्मुख रखी गई, तो जो हरून की छड़ी थी उसमें कलियां फूट निकली। आप ध्यान दीजिए, कलियां फूट निकली, बाकी 11 पे नहीं, और वो 11 बाहर निकाल दी गई और उसको वाचा के संदूक में रखा गया। यहां परमेश्वर की मौजूदगी थी, जहां से परमेश्वर उनसे बातें करते थे। तो क्या हुआ, एक ही दिन में कलियां फूट निकली उस लाठी को, उस छड़ी को। दूसरा काम क्या हुआ, फूल भी फल गए, फूल भी निकल आए एक दिन में। और वहां लिखा है, और पक्के बादाम भी लगे। अद्भुत, हैरानी की बात है, हैरानी की बात है। पहली बात तो सूखी छड़ियों को कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि उसको फल लगे जब वो फूलें। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप
इस बात की ओर ध्यान दें कि एक ही दम, एक ही बार में, एक ही रात में क्या हुआ, कलियां भी फूटी। कलियां किसे कहते हैं? जैसे कुछ पौधों में फुटाव आ रहा हो, हल्का हल्का सा फुनगियां निकली हो ना, फुनगियां छोटे छोटे पत्ते से निकल रहे हैं, जैसे फुनगियां निकली हो, तो एक ही रात में छोटे छोटे पत्ते फुनगियां निकली, कलियां निकली छोटी छोटी। तो जब वो कलियां निकलती हैं, उसके बाद धीरे 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 पत्ते बड़े होते हैं, फिर उसको फूल लगते हैं, फिर फूलों के बाद में वहाँ पर बादाम होते हैं, बादाम कच्चे होते हैं, फिर वो धीरे 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 करके पकते हैं, जैसे बादाम की फसल पकती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक ही दिन में क्या हो गया, एक ही रात में कलियां भी फूट गई, फूल भी फूल गए, और पक्के बादाम, कच्चे नहीं, पक्के बादाम भी निकल आए, पक्के बादाम भी निकल आए। अद्भुत। सो परमेश्वर के लोगों, आपके पास 21 दिन है लॉकडाउन के, आपके जीवन में सिर्फ फुनगियां ही ना लगे, थोड़ा सा छोटे छोटे पत्ते, थोड़े 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 आशीष, थोड़ा सा अभिषेक, थोड़ा सा अभिषेक, थोड़ी थोड़ी, ऐसा नहीं, थोड़ी सी बदलाव नहीं, साथ ही साथ फूल लगे आपको, और साथ साथ फल लगे, पक्का फल, पक्का बादाम। हालेलुया। सो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप अपने आप को दीन और हलीम कर लें ये 21 दिनों में, ताजो आपको कलियां फूट निकले, फल भी फूलें और पक्के बादाम भी लगें। सबके पास बराबर मौका है। भारत में तो 21 दिन का लॉकडाउन है और 21 दिन बंद है, तो 21 दिन सबके लिए 21 दिन बराबर हैं। आपके पास मौका है। 12 छड़ियां जो थी, लाठियां थी, 12 छड़ियां जो थी, बराबर थी, सबके लिए एक जैसा मौका था। लेकिन हारून परमेश्वर के लिए समर्पण था, तब वहां पर परमेश्वर वहां चमत्कार करते हैं। तो आप लॉकडाउन के 21 दिन चमत्कारी व्यक्ति बनकर निकले। अब कोई भी बहाना तो है ही नहीं है, मुझे ये करना, वो करना, वह करना, फ्री है, खबरें देखनी है और खाना खाना है, और उसके बाद परमेश्वर के लिए सब कुछ करें। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं, आप में भी पवित्र आत्मा का अभिषेक कलियों की तरह फूट निकले। पवित्र आत्मा का अभिषेक जब आप बाहर निकले, एक सामर्थ्य व्यक्ति बनकर निकले, अभिषेक सामर्थ्य, और फूल की तरह खिले जाएं, और आप भी आत्मा के 9 फलों से परिपूर्ण हो, पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से परिपूर्ण हो जाएं। आत्मा के 9 फलों से क्या हो, परिपूर्ण हो। ये 21 दिन आपके लिए हैं। गलातियों 5 अध्याय और उसका 22 वचन, 22 और 23, आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, खासकर के इन दिनों में आप धीरज रखना सीखें, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम ही आ जाएगा आपको। तो ये 9 जो आत्मा का फल के ये 9 हैं बातें, इसमें आप ध्यान दीजिए, और आपके जब 21 दिन में आप निकलें, आप प्रेम से भरे हुए हों, पक्का फल लगे, आप आनंद से भरे हों, आप शांति से भरे हुए हों, धीरज से, कृपा से, पलाई से, विश्वास से, नम्रता और संयम से भरे हुए निकलें, आत्मा के फल से परिपूर्ण हों, और साथ साथ में पवित्र आत्मा के 9 वरदानों से आप जरूर भरिए। आत्मा के फल के लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको संयम कर रखना है सब बातों में, आपको दीन और हलीम होना है। लेकिन आत्मा के वरदानों से तो आपने, आपको कुछ नहीं करना, ये तो वरदान गिफ्ट है, आपको सिर्फ परमेश्वर से पाना है, सिर्फ परमेश्वर से मांगना है, सिर्फ परमेश्वर से ले लेना है। प्रभु के लोगों, 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय 9 वरदान जो लिखे हुए हैं आत्मा के, जिसमें बुद्धि की बातें, ज्ञान की बातें, तीसरा विश्वास, चौथा चंगा करने का वरदान, पांचवा
सामर्थ के काम करने की शक्ति, और छठा भविष्यवाणी, सातवां आत्मा की परक, आठवां अनेक प्रकार की भाषा, और नौवां किसी को भाषाओं का अर्थ, यानी कि अन्य भाषा और अन्य भाषा का अर्थ। आपके पास मौका है, आप सामर्थी बनकर निकले, आप जलाली बनकर निकले। जब मूसा परमेश्वर के साथ संगति में रहा 40 दिन, तो जलाली बनकर निकला था। इतना जलाल था उसके चेहरे पे कि लोग उसको सीधा देख ना सके। बाइबल की मूल भाषा में लिखा कि उसके सींग उग गए थे, मूसा के सींग उग गए थे। हालांकि सींग नहीं, आज की बाइबल में अनुवाद में यह आया है कि उसके किरने चेहरे पे किरने निकलने लगी थी, और यहां पर किरने लिखा हुआ शब्द मूल भाषा में लिखा था उसके सींग उग गए थे, ऐसा लिखा। तो इतना वो जलाली होकर निकला। तो ये 21 दिन आपकी मर्जी है, आप रो रो कर 21 दिन निकाल लें, आए एक दिन निकल गया, बहुत मुश्किल है दिन निकालने, ये एक दिन निकल गया, दो दिन निकल गए, चार दिन निकल गए, करते रहें। जहां आप खुशी से आनंद से, अब तो ये झेलना ही है, ये 21 दिन तो झेलना ही है, अब आपकी मर्जी, चाहे रोकर झेल लें या हंसकर झेल लें, तो क्यों ना इस हानि में भी लाभ कमा लें। जो होनी थी हानि तो वो तो संसार में चल रहा है, आप इसमें लाभ उठाएं। तालाबंदी होनी थी तो वो हो ही गई, आप क्यों ना इसमें लाभ उठाएं और कुछ विशेष बनकर निकलें, कुछ विशेष बनकर निकलें। अब कोई बहानेबाजी नहीं है, मुझे काम पर जाना है, प्रार्थना करें, उपवास रखें, वचन पढ़ें, वचन सुने, आराधना करें, परमेश्वर से बातें करने का पूरा पूरा समय आपके पास है। अपने अंदर गुण पैदा करें, गुण पैदा करें, पक्के बादाम लग जाएं, पक्के बादाम आपको लगें। मैं आपसे एक बात कहूं, दानियल भी लॉकडाउन में था, जब दानियल को एक रात के लिए रखा गया, जब दानियल को एक रात के लिए रखा गया शेरों के मांद में, दानियल 6 अध्याय में लिखा हुआ, दानियल की तरह इस हानि को घोर रात में भी लाभ पाए परमेश्वर मसीह के नाम से। उसे एक रात, घोर अंधकार की रात, और यह भी किस दिन, घोर अंधकार की रात, लेकिन इसमें भी आप लाभ कमाए परमेश्वर मसीह के नाम से, मैं आपसे कहता हूं। लेकिन उस रात के बाद जब दानियल बाहर निकला, शेरों की मांस से बाहर निकला, तब उसका विश्वास बहुत बढ़ चुका था, उसका आत्मिक लेवल बहुत बढ़ चुका था, क्योंकि उसके लिए सब कुछ बदल चुका था। उसने उस रात का लाभ उठाया, प्रभु से लगातार प्रार्थना करता रहा, संगति करता रहा, चाहे कैसे भी भय से करता रहा, चाहे कैसे भी, लेकिन संगति करता रहा परमेश्वर के साथ, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। सो नहीं गया था रात रात को, ये पूरी रात सोया रहा, नहीं, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। लेकिन जब बाहर निकला, उसके राजा सब, वे सब अधिकारी, वे आम लोग उसे चमत्कारी व्यक्ति मानने लगे थे, दुनिया भर के लोग दानियल जाने लगे थे, और आज मैं और आप भी जानते हैं दानियल को। वो एक रात, और आपके लिए 21 दिन, आप जब निकलें चमत्कारी व्यक्ति बने हुए हों, चमत्कारी व्यक्ति बन के निकलें। सो मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, स्वर्गीय परमेश्वर, इन बच्चों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, इन पर दया और अनुग्रह कीजिए मेरे प्रभु यीशु मसीह जी। ये जब 21 दिन लॉकडाउन के हैं मेरे परमेश्वर, इनके जीवन में काम करें मेरे परमेश्वर, यह सामर्थ्य बनकर निकले, यह हानि भी इनकी लाभ में बदल जाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में काम करें मेरे परमेश्वर, आपकी आशीष इनके जीवन में काम करें, यह आत्मा के फलों से लद जाएं, आत्मा के फल से लद जाएं मेरे परमेश्वर, संजीवी बने, प्रेमी बने, विश्वास में दृढ़ हों प्रभु जी। इस दिनों में, लॉकडाउन के दिनों में प्रभु जी, जब बाहर निकलें आपका तेज इन पर चमके, आपका जलाल इन पर चमके, ये जलाली व्यक्ति बनकर बाहर निकले मेरे परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह जी, इनके जीवन में सामर्थ को ढेलता हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, जब ये बाहर निकलें तो इनके चेहरे को देख ना सकें लोग, इतना इनका चेहरा जलाली हो जाए परमेश्वर पिता। ये आत्मा के नौ वरदानों से, पवित्र आत्मा के नौ वरदानों से भर जाए, पवित्र आत्मा के नौ वरदानों से भर कर बाहर निकलें, पवित्र आत्मा के नौ वरदानों से भर कर बाहर निकले, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए। रो बोनो सखर है बेसिखे रे बेशिदा लसो खुबो पिता, ये जो हानि के दिन है, ये जो लॉकडाउन के दिन है,
ये घटी को जो दिन है इनके लिए लाभ में बदल जाएं, इनके लिए लाभ में बदल जाएं, ये चमत्कारी हो जाएं। परमेश्वर इन्हें छुए, आशीष करें, ब्लेस करें प्रभु जी। और मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी बीमारी, कोई भी मरी, कोई भी महामारी इनके विरोध में काम ना करे, कोई भी शैतान की ताकत इनके विरोध में काम ना करे। इनकी रक्षा करो मेरे परमेश्वर जी ने, संभालो, इनकी मदद करो। सारा आदर में मैं आपको देता हुआ प्रार्थना पर यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग लेता हूँ। स्वर्गीय पिता सुनो और ग्रहण कर लेना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।